यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये निरस्त निखिलाज्ञानम् ज्ञानाज्ञानविलक्षणम् पूर्णानन्दम् किमपि तन्नीलरत्नमहम् भजे। नीलरत्नम् का एक अर्थ है श्री कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप, और नीलरत्नम का दूसरा अर्थ है नीलाचल के रत्न, जगन्नाथपुरी के रत्न। नीलरत्नम नीलरत्न वो नीलाचल के रत्न वो सामने हाँ, और नीलरत्न वृंदावन है। और अभी मैं जब वहां से निकला तो 5-7 श्रीमद् भागवत के विद्यार्थी खड़े थे मार्ग में। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी पढ़ाई हो तो जाओ करो, आज पढ़ाई की छुट्टी है। तो मैंने कहा था तुम लोग जो कहो सो किसी भागवत के एक श्लोक का अर्थ सुना देते। तो एक विद्यार्थी ने कहा कि बरहा पीतम का अर्थ है। देखो थोड़े में पहले उसकी भूमिका पर ध्यान दो। वृंदावन की गोपी है, यहाँ भाव के पुष्प खिले। शरद ऋतु है, वो तो विरह का बाण मारता है हृदय में। ये शरद जो है ना, शरद वा चरति शरति शरति थी शरद, जो बाण की तरह कलेजे में लगे हाय हाय। और शरद ऋतु थी तो आई, परंतु हमारे प्यारे हमको नहीं मिले। तो शरद ऋतु हृदय में बाण मारती है, इसलिए शरद को शरद कहते हैं। ये नाम धातु से शरद युवा शरद शरद शरती की शरद शरद स्वच्छ जलम शरदा हेतु भूतया स्वच्छ जलम शरद 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 पद्मा पर सुगंधना। प्रत्येक सरोवर में कमल खिले हैं, पृथ्वी ने अपने हृदय को कमलाकार करके प्रकट कर दिया है। और पद्मा कर सुगंधना, लक्ष्मी जी ने अपने हाथ की सुगंध सब वस्तुओं में डाल दी है कि बैकुंठ से धरती में आकर कहीं भगवान हमको भूल न जाए है? तो हमारे अंग की सुगंध उनको जगह जगह सूंघने को मिलेगी। तो ब्रज के आनंद में मुझ बैकुंठ लक्ष्मी को भूले हुए भगवान कभी कभी उस सौरभ के कारण ही स्मरण कर लें। गोचारण के लिए भगवान ने वन में प्रवेश किया तो भाव के पुष्प खिले हुए सुसुमित बन रहा, भक्त भ्रमर भगवाले हो रहे हैं। सूक्ष्म वृंग द्विज कुल घुष्ट, यहाँ के पक्षी भी श्री कृष्ण का नामोच्चारण कर रहे हैं, वही वेद ध्वनि है। द्विज कुल घुष्ट माने वेद ध्वनि। वेद ध्वनि क्या है? यहाँ के पक्षी जो गान करते हैं वो वेद ध्वनि है। जय 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 जाओ अजित दोष गृहीत गुणा। अब आगे प्रसंग ये आया कि गोपियों ने बंसी ध्वनि सुनी नादामृत, और सुन के उनके हृदय में स्मर वेग का उदय हुआ। आशा से स्मर बड़ा है। उपनिषद में
स्मरो गावो आशाया भैया। सांदोग्य उपनिषद में कहा कि किसी की आशा लगा के बैठे रहें कि आवेगा आवेगा आवेगा, उससे बड़ी चीज क्या है? बोले स्मर। स्मर माने काम, जल्दी मिले जल्दी मिले जल्दी मिले। तो गोपियों के हृदय में केवल आशा ही नहीं लगी है कि मिलेंगे श्याम मिलेंगे क्या है, कब मिले कब मिले कब मिले, उनके प्राण उत्कंठा से कंठ में आ लगे हैं। तो मन में आया कि कथामृत से सांत्वना मिलेगी, आओ बैठ के कृष्ण की कथा करें। यही विरह का जीवातु है। जीवातु माने अमृत। संस्कृत भाषा में जीवातु शब्द जो है वो अमृत का बात है। विरही लोग अपने प्यारे के कथामृत का पान करके ही विरह काल में जीवन धारण करते हैं और सहारा नहीं होता है। तो गोपियां बैठी तो आओ कृष्ण की चर्चा करें। तो बोले तो तब न जब जीव पर मन रहे। गोपियों को हो गया विक्षेप। आप देखो ये भूल बात है, वृंदावन में भाव के पुष्प खिलते हैं, भक्त भ्रमर यहाँ का रसपान करके मतवाले हो जाते हैं, पक्षी गण जो यहाँ उच्चारण करते हैं वो वेद पाठ है, और सरह सरिन महिद्रम सरोवर हृदय की स्वच्छता है, सरिता अभिसार है भगवान की ओर बहना, और पर्वत जो है वो प्रेम की दृष्टा है। ये है वृंदावन। अब यहाँ की साधना क्या है? तो योगी लोग जो मन को एकाग्र करते हैं वो एकाग्रता यहाँ की साधना नहीं। यहाँ की साधना तो है विक्षेप। कृष्ण के पीछे पीछे भागो, सामने से आके देखो, उनके लिए रो है। यहाँ तो विक्षेप ही साधना है। जहाँ योग समाधि में निरोध की पूर्व भूमिका एकाग्रता है, वहाँ वृंदावन की भागवत लीला में भगवत प्राप्ति की पूर्व भूमिका, भगवत प्रेम की पूर्व भूमिका विक्षेप है। अब यहाँ का कोई भगत किसी जोगीराज के पास चला जाए और बोले कि हे जोगी जी, हमको मन एकाग्र करने की साधना बताओ। अरे यहाँ मन को नचाना है, गवाना है, कृष्ण के पीछे घुमाना है, वो छिप जाए तो उनके लिए रोना है, मिल जाए तो हंसना है। ये तो जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस दीन लोक में ना है। इस वृंदावन की माधुरी इन रसिकन मिली आस्वादन की ओर। यहाँ तो चार दीवाने बैठ जाते हैं वृंदावन की चर्चा करते हैं, तो जो लोग भागवत पढ़ते हैं उनको मालूम है, नासकन स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। गोपियों का मन विक्षिप्त हो गया, पर विक्षिप्त होकर गया कहा? ये योगियों के काम की चीज नहीं है। ये प्रत्यक्ष चैतन्या भिन्न ब्रह्म के बोध के लिए जो साधन चतुष्ट संपन्न जिज्ञासु हैं, उनके काम की चीज नहीं है। ये तो जो ज्ञान अज्ञान दोनों को पी चुके हैं उनके लिए। और गोपियों का देखो विक्षेप योगियों की समाधि से श्रेष्ठ। क्या विक्षेप क्या हुआ दूत में? उस विक्षेप का वर्णन है, हमको विद्यार्थी ने कहा, विद्यार्थी ने कहा, विद्यै व अर्थ प्रयोजनम यस्य असौ विद्यार्था। केवल प्रभुजी से काम चल गया, तथित इन प्रत्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थ ने कहा,
करहा बीजम नटवर्गम। ये गोपी के चित्त के विक्षेप का वर्णन। देखो गोपी का मन चंचल होता है तो कहां जाता है, वर्धा बीजम नटवर बहु कर्णयो कर्णिकारम विप्रद वास कनक कपिशम वैजयंती मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। अरे बोल देखो क्या देखें सहेली सहेलर हो ओ वीर ओ सहेली ओ सखी देख देख क्या देखें वृंदारण्यम प्राविशत हमारे प्यारे श्याम सुंदर वृंदारण्य में प्रवेश कर गए। कारी सखी दिख रहे हैं कहा सखी दिख रहे हैं कैसे दिख रहे हैं। अब देश का वर्णन करहा पीदम विभ्रत नटवर बहुर विभ्रत कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत कनक कपिशम पातः विभ्रत वैजयंती मालाम च विभ्रत। प्यारे कैसे प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन में। देखो गोपी की नजर पहले गई करहा पीदम पर माने मयूर की पिच, उसको पिच बोलते हैं। गाय की पूंछ हो तो उसको पिच नहीं बोलते हैं पुच्छ बोलते हैं। तो भगवान के सिर पर पुच्छ नहीं है पिच है बोला। उस पिच को बोलते हैं बर। तो बर जो बोलते हैं कि प्रिय धातु का अर्थ है वृद्धि। वादि धातु है तो बरहती इति बरहा बरहती बरधते। सांवरे मेघ को देखकर वो जो सिकुड़ा हुआ होता है ना वो फैल जाता है वृद्धि हो जाती है उसमें, जिसके कारण उसका नाम गर्भ होता है। और ब्रह्म शब्द की भी संस्कृत भाषा में यही धातु है बोला बरहति बा ब्रह्मति बा। ब्रही है और ब्रह है दोनों धातु हैं और बरहति और ब्रह्मति दोनों प्रयोग बनता है। तो ये बर क्या है, ये बर तो ब्रह्म है। तो भगवान का ये जो मुकुट है ये कैसा है, बरहम आपीदयति वृद्धि को इसने पीड़ित कर दिया। इससे बड़ी चीज दुनिया में और कोई नहीं है। देख रे सखी देख, सबसे बड़ी चीज दुनिया में अगर है कोई तो ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर के सिर पर जो मोर मुकुट है मयूर पिच्छ का मुकुट है ये सबसे बड़ा है। कुबलयातीत का अर्थ तो आप जानते होंगे ना, वो हाथी जो कंस के साथ था उसका नाम था कुबलयातीत। कुबलयम भूबलयम आपीदयती इति कुबलयातीत, वो भूमंडल को पीड़ा पहुंचाने वाला था। और भगवान का ये जो मुकुट है मोर मुकुट ये ब्रह्म ब्रह्म आपीदयती। ब्रह्म ने सोचा कि अब हमारी ओर कौन आएगा, हमारे जिज्ञासु हमारे भक्तों को तो इसने अटका दिया। अपने ब्रह्म को पीड़ा पहुंच गई हो कि हाय हाय अब ब्रह्म ज्ञान को कौन चाहेगा। बरहा बीरम ये प्रेम का नमूना है। क्या श्याम सुंदर ने एक दिन श्री गिरिराज की तलहटी में बांसुरी संभाली और वो राधे 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 का गान किया। राधा रानी का प्यारा मयूर जिसको उन्होंने पाल रखा था ये श्री कृष्ण जामल में कथा है वो आ गया। और काला मेघ की तरह श्याम सुंदर और मेघक ध्वनि के समान बंसी ध्वनि
और वो राधा रानी का मयूर नृत्य करने लगा। न श्री कृष्ण का संगीत बंद हो न उसका नृत्य बंद हो, उसके पिच टूट कर गिरने लगे। श्याम सुंदर ने कहा, राधा रानी का भोग उसका पिच गिरता है, नहीं नहीं, ये हमारी बंसी बाबन से प्रसन्न होकर हमको पुरस्कार दे रहा है। उठाया और अपने सिर पर धारण कर लिया। इसका नाम है गर्भातीरम विप्रा। ब्रह्म ज्ञान होता है असत्य के त्याग से। परमात्मा के सिवाय दूसरी चीज जो है परमात्मा में, उसको छोड़ दो। नेति नेति त्यता त्यजन त्यजतई वैतल्यम आत्मा त्यक्तु परम पदम। आत्मा त्यक्तु परम पदम। ब्रह्म मिलता है अन्य का परित्याग करने से। और ये जो हमारा वृंदावनी ब्रह्म है, ये तो महाराज दूसरी चीजों को लेकर अपने साथ जोड़ लेता है, है? मोर की टूटी हुई पाँव, गिरी हुई पाँव, और उसको अपने साथ जोड़ा जोड़ा था मुकुट में सिर के ऊपर। गर्भा पीदम विभ्रत न कवर बपुर विभ्रत। बपु शब्द का संस्कृत में होता है वम अमृतम पुष्णादी इति बपु। वम अमृत भी है। भगवान का श्री विग्रह कैसा है, सावरा खलोना। बोले भाई, अमृत को जो माधुर्य मिला है, सौंदर्य मिला है, जो बाधकत्व मिला है, जो अमृतत्व दान का सामर्थ्य मिला है, वो भगवान के ये सावरे सावरे रंग की जो छलक है ना, वो छलक के जरा सी छटा की छलक वो धन्वंतरी के अमृत कलश में पड़ गई थी और उसी से अमृत अमृत बन गया। वम अमृतम पुष्णाति इति वपुः। अमृत को अमृत बनाने वाला है। अरे क्या अमृत चाहते हो, क्या अमृतत्व चाहते हो, कहाँ मोक्ष मांगने जा रहे हो? मोक्ष को मोक्ष बनाया है इस श्याम सुंदर के श्री विग्रह ने, इनकी ये छवि भरी छटा ने, ये छलकते हुए इस अमृत ने जो भगवान के श्री विग्रह में है, वो तो बपु कहते हैं उसको। वो बपु कैसा है? बोले नटवर, जैसे नारायण भगवान है ना, जरा शीश सज्जा पर शयन करते हैं अर्धोन्मीलित नेत्र से, लक्ष्मी जी पांव दबाते हैं तो हिलते ढोलते नहीं है, वो उद्योग निद्रा में मग्न हो जाते हैं। और रामचंद्र भगवान है, वो बैठते हैं जब सिंहासन पर तो झूमते नहीं है, सिर विर नहीं हिलाते हैं, आंख को बाएं बाएं जल्दी नहीं करते हैं, और महाराजा है और बड़ी मर्यादा के साथ बैठते हैं। और ये महाराज आया तो बोले कि नहीं, इधर तो दाएं भी बाएं भी ऊपर भी नीचे भी है ना, नटवर बहु, जैसे एक श्रेष्ठ नट अपने पंजे को अपने टखने को अपने घुटने को अपने कमर को है ना, अपने हाथ को अपनी टुड्डी को अपनी आंखों को, आपने भरतनाट्यम कभी देखा है? इसकी तो आंखें नाचती हैं, इसकी तो टुड्डी हिलती है, इसके तो हाथ बुलाते हैं, हैं? इसकी तो कमर हिलती है, हैं? तो श्रेष्ठ नट के समान शरीर धारण करके अमृत को बांट रहा है नटवर बहु। बोले एक बात और है, नटवत बरवच बपुर जस्य। एक तो ऐसा लगता है कि नृत्य करने के लिए अभिनय करने के लिए कोई नट जा रहा है, और दूसरे मालूम पड़ता है कि ब्याह करने के लिए कोई दूल्हा जा रहा है। गरवत दोनों हो, नटवत गरवत च बपुर जस्य। नटनर बपु, ये नर है परब्रह्म परमात्मा, लेकिन नाट्य में इसने नर बपु धारण किया है। नतनम राति थी नतनरम, नतनरम बपुर जस्य, जिसको देखकर पशु पक्षी भी झूम उठते हैं,
लताएं भी नाचने लगती हैं, है ना, वृक्ष फूल बरसने लगते हैं, हरिन हरिणियां भी नाचने लगती हैं, भौरे भी गुंजार करने लगते हैं। चराचर जिसके साथ नाचने लगता है, नतनम राति इति नतन रम बहु यज्ञ, तो वो तो श्री कृष्ण का विशेषण हो गया। और नतनरम बहु, नतनर बहु, नतनर बहु विप्रा, ऐसा श्री विग्रह उसने कर्म में कहो दोनों होता है विप्रा। अब कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो उभयो हो एकमयो कर्णिकारम, अमलतास का लंबा फूल जो हिरण के समान होता है ना, ये संस्कृत भाषा में जो कनेर होता है छोटा छोटा, इसको करवीर बोलते हैं, करवीर। और जो अमलतास का वो लंबा लटकता है ना कान में पहनने वाले हिरण के समान, उसको बोलते हैं अमलतास, वो है कर्णिकार। तो ये कृष्ण महाराज क्या बोलते हैं, बोले सांख्य और योग उनके कान हैं, ऐसा तंत्र शास्त्र में वर्णन है। बोले कि नहीं, उस कान को तो मैं योगियों के लिए और विवेकियों के लिए रखता है, विवेकी लोगों की बात सांख्य वाले कान से सुनता हूँ और समाधि वालों की बात योग वालों के योग कान से सुनता हूँ। यहाँ तो अमलतास का पीला पीला फूल लेके आया हूँ, है ना, और प्रेमियों की बात सुनता हूँ और ये कभी कान से सुनता हूँ, कभी इससे कभी उससे। फूल एक है, अमलतास का फूल एक है, उसको कभी मतवाले पन का दोनों कान में नहीं। अरे बाबा क्या है आखिर, कोई आभूषण पहनना तो दोनों कान में पहनना, एक कान में क्या पहनना। बोले कि जरा होश आवाज कम है, होश आवाज कम है तो कहाँ गया। बोले तो वो तो गोपियों ने हार लिया, कर्ण वो कर्ण कारण विभ्रत अथवा कर्ण यो हो उभयो कर्ण कारण सप्तमी का अलुक मानते हैं कहीं कहीं, तो दोनों कान में कर्णिकार का पुष्प है, ऐसा भी उसका अर्थ होता है, परंतु लटकता बड़ा लंबा है। विभ्रत वाक कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, कनक कपिशम वाक विभ्रत, वस्त्र भी है ढके हुए हैं नंगे सर, कोई और धूप थोड़े हैं, हैं? लेकिन पीला वस्त्र स्वर्ण वस्त्र धारण कर रहे हैं, दीप वर्ण का, प्रेम का वर्ण दीप है, दीप वर्ण श्री राधा रानी स्वर्ण वर्ण है, हिमान हिरण्य वर्णाम हरिणीम, वेद में आया हिरण्य वर्णाम, स्वर्ण लक्ष्मी है ना, हितम च रमणीयम च हिरण्य, हिरण्य क्या होता है, तो निरुक्त में हिरण्य शब्द का अर्थ दिया है, हितम च भवती रमणीयम च भवती, हितकारी भी होता है और देखने में रमणीय भी होता है। तो हिरण्य में जो रण्य है वो तो रमणीय है और जो ही है वो हित है, तो हित माने अंत सौंदर्य और रमणीय माने बाह्य सौंदर्य, समय पर काम भी देता है और देखने में सुंदर भी लगता है, इसलिए सोने को सोना बोलते हैं, स्वर्ण है ये, तो बिल्कुल स्वर्ण के समान वस्त्र। अब देखो पार्थिव वस्तुओं में ये जो सुवर्ण है ना, कोई तेजस मानते हैं कोई पार्थिव मानते हैं, तो पहले जब सोना जलता नहीं था तब इसको तेजस मानते थे ना, और जब सोने को जलाने की विधि निकल आई और उसकी भस्म बन जाने लगी ना, तब लोगों ने उसको पार्थिव मानना शुरू कर दिया। पृथ्वी का कितना सुंदर रूप है स्वर्ण, सुनहली पृथ्वी, पृथ्वी का रंग भी है पीत, तो पृथ्वी की प्रार्थना से भगवान पृथ्वी के घर में आए हैं, और इसकी सावधानी तो हम बरतते हैं, बोला भाई कोई हमको कभी कोई वस्त्र दे जाए ना पहनने के लिए, तो वैसे तो रखा रह जाता है, लेकिन यदि कभी वो अपने घर बुलावे तो याद करके उसका दिया हुआ कपड़ा पहनते हैं,
और उसके घर जाते हैं कि वो देख के प्रसन्न होगा कि हमारा दिया हुआ कपड़ा स्वामी जी पहनते हैं। ये देखो इतनी चालाकी तो हम लोग करते हैं, ये तो हमारा व्यापार हुआ। भगवान जब पृथ्वी के आमंत्रण पर पृथ्वी के घर आते हैं तो पृथ्वी का दिया हुआ जो पीत वस्त्र है, स्वयं अपसी का कलाय का तो रंग है, मरकत मरकत भी पार्थिव है, मरकत मणि जो है ना, हरिण मणि है, मरकत मणि है, ये पार्थिव है और पीतांबर भी पार्थिव है। अरे तेरे जैसा बनकर, तेरा दिया हुआ कपड़ा पहनकर पृथ्वी तेरे घर आया हूँ। नारायण कनक कपिशम, उसमें नशा भी है जो उसको देखे, कनक है ना, कनक 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 से चौगुनी मादक का अधिकार। पीतांबर देखो नशे में आ जाओगे, नशे में आना माने दुनिया को भूल जाना। कनक कपिशम बपुर विद्रत, कनक कपिशम बासा विद्रत, वैजयंती च मालाम, एक माला भी है। तो महाराज ऐश्वर्य प्रधान लोगों ने तो नव रत्नों की माला को वैजयंती माला माना, और पांच रंग के पुष्पों की माला को वैजयंती माला कहते हैं, और पांच भावों के जो शांत दास्य तथ्य वात्सल्य श्रृंगार की जो भाव है ना, उन भावों के पुष्प की वैजयंती माला, वैजयंती माला जो संसार की वस्तुओं के सौंदर्य पर विजय करा दे। वैजयंती माला का अर्थ क्या होता है, मा लियते जस्याम, जब देखती है श्री कृष्ण की माला का सौंदर्य तो लक्ष्मी कहती है कि जो कोई इस माला को देखेगा वो इसी पर लुभा जाएगा, तो हमको तो कोई नहीं पूछेगा है। श्री कृष्ण की बनमाला दिख जाए और फिर लक्ष्मी की, लौकिक लक्ष्मी की ओर आकर्षण हो, तो लक्ष्मी जी जो है वो जाके उसी माला में छिप गए। तो माँ लक्ष्मी ही लियते यस्याम सा माला, वेदांतियों की जितनी प्रमा थी ना, माँ प्रमा, माँ प्रमाण जन्य यथार्थ अनुभव तद्वत तत्प्रकार अनुभव, वो माँ वो जाके बनमाला में छिप गया। अरे बनमाला देख ली तो और किसी प्रमाण और प्रमेय की कोई जरूरत नहीं, सारा सौंदर्य उस बनमाला से। सौंदर्य यदि सर्वांग निराकरण हो ना तो उतना आकर्षक नहीं होता है। तो बनमाला भगवान का सौंदर्य नहीं है, क्या है कि वो भगवान के सौंदर्य को, सहज सौंदर्य को कहीं किसी की नजर न लग जाए इसलिए बीच बीच में उसको ढक देती है। सौंदर्य का आच्छादन करके भगवान के सौंदर्य को बढ़ाती है, अपने सौंदर्य से भगवान के सौंदर्य को बढ़ाती नहीं है। भूषण भूषणांगम, वनमाला को सौंदर्य प्राप्त हुआ है भगवान के अंग से, वनमाला से भगवान के अंग को सौंदर्य प्राप्त नहीं हुआ। वैजयंती च मालां विभ्रत रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन, ये विभ्रत के बाद अब पूरयन आया है। विभ्रत का अर्थ विभर्ति, विभर्ति इति विभ्रत गुभ्रिय धारण पोषण यो सत्रंत प्रयोग है। ये विभ्रत धारण किए हुए हैं, बस देख रहे हैं, गोपियां कह रही हैं अरे देख सके, देख वो मोर मुकुट चमक रहा है, वो क्या नटवर के समान कहीं फड़िया लगी है और कहीं गेहूं लगा है और कहीं फूलों की माला है तो कहीं पत्तों की माला है तो कहीं फलों की ही माला है। और ये सौंदर्य ये माधुर, अरे ये तो ब्याह करने लायक है भाई। गायत्री में बरेण्यम जिसका नाम है ना, आप तो गायत्री तो जानते होंगे, सत्सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम वो वरेण्यम ही तो हमारा घर है।
और कौन है? गायत्री पढ़ते पढ़ते हो गया 50 बरस, पर बरेणियम में बर है हमारा, वरणीय ही बना रहा, बर नहीं मिला, तब फिर ईश्वर आए, बोले ईश्वर आने से काम नहीं चलेगा, लो वैसे तुम वर नहीं बनते हो तो हम वरक प्रत्यय जोड़ देते हैं तुम्हारे साथ, तब ईश्वर बनोगे। ईश्वर शब्द बनता है इस धातु से वरक प्रत्यय होने पर, लो हम वर होने का प्रत्यय जोड़ते हैं। ये वही गायत्री वाला वरेणियम है, बोले कहीं कंजूस हुआ तो कथम भूतम वृंदावन, तो गोविंद वेणु रेव मनोरुजा सुमेन मनु धर्मो प्रवेशता, वृंदावन में मनु जी का उपदिष्ट घर नहीं चलता है, रखो उसको हाथरस में, अलीगढ़ में रखो, वृंदावन में मत ले आना मनुस्मृति को, कहीं यहाँ मनुस्मृति की जगह पर कौन काम करेगा? बोले श्याम सुंदर की बांसुरी, वो जो धर्म सिखाएगी वही हम करेंगे, है ना? वो कहेगी कि यहाँ धर्म छोड़ दो तो छोड़ देंगे, वो कहेगी यहाँ धर्म करो तो करेंगे ना। यहाँ तो गोविंद वेणुरे व मनुर जसमिन सा वृंदावनम, ये वृंदावन है। श्याम सुंदर महाराज जैसे गोवर्धन की एक शिला पर राधा 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 सामने राधा राधा पुरख पुरती पश्चिम पश्च राधा राधा ही सद्यमी है दक्षिण पश्च राधा राधा खलु क्षति तले गगने च राधा 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 राधा, जहाँ देखें वहाँ राधा, जैसे जित देखा तित श्याममयी है, ये गोपी का प्रेम है, वहाँ जित देखा तित राधा, जहाँ देखता हूँ वहीं राधा राधा है, आंखों से आंसू गिर रहे श्याम सुंदर के, शरीर में रोमांच हो रहा, हृदय में राधा रानी का ध्यान, राधा 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 मंत्र का जप कर रहे। सरस्वती ने कहा इतना प्रेम, ऐसी स्वर लहरी, ऐसा आनंद, अरे सारा जीवन शास्त्रों का उच्चारण करते करते, अरे है ना, वैयाकरणों के बैठ के जीप पर बैठ के सिद्धाणे द्वैसत करने मात्र कय कय करता रखते रखते हमारा दिमाग साफ हो गया। हाँ हाँ इतना आनंद, इस स्वर लहरी में इतना आनंद। जब श्री कृष्ण ने आप थोड़ी आके सामने खड़ी, महाराज मैं आपकी दासी, श्री कृष्ण राधा रानी के आनंद में हट, बोले हट जा हमारी आंख के सामने से, हमको ज्ञान की देवता सरस्वती नहीं चाहिए, हमको प्रेम की देवता राधा चाहिए। सरस्वती को काट मार गया, जड़ हो गई, जड़ हो गई तो बाप के रूप में प्रकट हो गया, फिर बाप का जो अगला हिस्सा है वो काटा गया, वंश से प्रकट हुई, वंश का अभिमान हो तब थोड़ी मिलेगा ईश्वर, भगवान वंश के अभिमान से नहीं मिलता है, वंश से प्रकट। गांठ जो थी सो सब में छेद दिया गया, सात छेद और किए गए, सात सुर बनाए गए, आग में जला के सीधी की गई। तो श्याम सुंदर ने कहा कि आओ हमारे पास, बोली मैं क्षुद्र वंश की बंसी हूं, मेरा वंश तो उत्तम नहीं है, छिद्रों से भरा हुआ है तन, शरीर में छिद्र बहुत, नरम भी नहीं हूं, बड़ी कठोर, हृदय में भाव भी नहीं है, पोली हूं, है। श्याम सुंदर ने कहा कुछ हो, तुमने एक बार मुझे चाहा ना तो अब मैं तुमको छोड़ नहीं, तो चलते हैं तो फेंटे में लगा लेते हैं, कांख में दबा लेते हैं, सोते हैं तो छाती से लगा लेते हैं, और अपने अधरामृत से वेणो हो रंध्राण वेणो हो, रंध्राणी बोलना चाहिए था हो महाराज, कोई पाणिनीय व्याकरण का ज्ञाता हो तो कहेगा सुखदेव जी आप रंध्राण बोलो, सुखदेव जी ने कहा मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो गांव की गंवार ग्वालिन बोल रहे हैं, वो तो श्रुति है, उस पर पाणिनीय व्याकरण थोड़ी लगता है,
रंधान वेड़ो रदर सुदया पूरयन। अब बोले कि थोड़ा उद्दीपन मिलना चाहिए। गोपियों ने कहा कि जो बांसुरी को अमृत पिलाता, वेणु को अमृत पिलाता है, वो क्या हम लोगों को नहीं देगा? जो बांस को अमृत देता है, वो क्या हम लोगों को नहीं देगा? तो जरूर देगा, है ना। बोले कि नहीं, याद जरा दिलाओ। सो महाराज गोप वृंदई गीत कीर्ति आगे आगे गए और पीछे पीछे श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, पीतांबर धारी बांसुरी बजाते हुए और उनके पीछे ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं? तो वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदारण्यम, अरण्यम शरण्यम, अरण्य शब्द का रिगत धातु से अरण्यम पद बनता है। अरण्यम नाम शरण्यम, जब गांव में नगर में कहीं रहने में सुख शांति न मिले तो चले जाओ वृंदारण्य में। मनमोहन जाति दृष्टि करो, ताकि गति होत है और न सुहात भवन तन वतन असन। बन ही को भावत दौड़ करो, बन ही माने वृंदावन ही को भावत दौड़ करो, बन माने वृंदावन। वृंदारण्यम कैसा है वृंदारण्य? बोले स्वपद रमणम, स्वपद अंकित रमणम। जहां देखो वहां, अरे सेठ साहूकार का नाम नहीं लेना हो कि ये अमुक सेठ की हवेली है, अमुक सेठ का बगीचा है, ये अमुक राजा का मंदिर है, है ना। अब यहाँ राजा का मंदिर है, यहाँ सेठ जी का मंदिर है, नहीं नहीं, स्वतंत्र मनम। जहाँ देखो वहां भगवान के चरण चिन्ह अंकित है। श्री राधा रानी के चरण अंकित देखकर भगवान अपने शरीर से छाया कर देता है, इसको धूप न लगे। श्री हरिवंशी महाराज ने लिखा है, ये तो चरण चिन्ह, चरण चिन्ह वाला ब्रज है वो, चरण चिन्ह वाला ब्रज। स्वपद स्वत्या श्री राधा या पदई ही अंकित रमणम, श्री राधा रानी के चरणारविंदों से ये अत्यंत रमणीय है। स्वपदाद वैकुंठादपि रमणम, वैकुंठ से भी रमणीय है। स्वपदाद ब्राह्मणों भी रमणम, ब्रह्म में शांति है और विषय में दुख है, विषयानंद में दुख है और ब्रह्म में शांति है। तो ये क्या है? तो यहां न विषय वाला दुख है और न ब्रह्म वाली शांति है। यहां विषय वाला विक्षेप तो है परंतु दुख नहीं है, है? और यहां ब्रह्मानंद तो है परंतु शांति नहीं है। ये शांति रहित ब्रह्मानंद है और ये दुख रहित विषयानंद है। जहां विषयानंद और ब्रह्मानंद वेणु शब्द का अर्थ श्री बल्लभाचार्य जी ने किया है, वश्च इष्ट वयौता वणु जस्मा असौ वेणु। विषयानंद और ब्रह्मानंद दोनों जिसके सामने जी के पड़ जाते हैं वो है वेणु। और स्वपदा ब्रह्मणोपी ब्रह्मानंदादपि रमण, ब्रह्मानंदे रमणम नास्ति, ब्रह्मानंद में रमण नहीं है, तत्र तु समनम अस्ति। ब्रह्मानंद में रमण नहीं है, समन है। और यहाँ का यहाँ रमण भी है और ब्रह्मानंद है, इसलिए उससे दो हाथ आगे है। ऐसे वृंदारण्य में गोप वृंद ही गीत कीर्ति, मतलब कीर्ति का गान करने लगे। भगवान कीर्ति के गान से आते हैं, क्यों आते हैं? तो वो एक संकेत है इसका। जहां कीर्ति का गान होता है वहां कीर्ति की बेटी होती है। आप कीर्ति की बेटी को जानते हैं? वृंदावन में रह के और कीर्ति रानी की बेटी को जो न जानता हो, है ना, श्री राधा रानी की माँ का नाम है कीर्ति और कृष्ण की माँ का नाम है यशोदा। जहां कीर्ति गान होता है वहां आराधना आती है और जहां जशोदान होता है वहां कृष्ण आते हैं, है ना। ये श्रवण में से जैसे ब्रह्म ज्ञान निकलता है वैसे यश और कीर्ति में से आराधना और आराध्य, आराधना आराधिका आराधा और आराध्य भगवान श्री कृष्ण, ये निकलते हैं यश और कीर्ति में से।
और ब्रह्म निकलता है सूखे श्रवण में से, यश और कीर्ति में तो महात्म गुणादि का श्रवण है ना, और श्रवण में, श्रवण में तो स्वभाव गुणादि का निषेध है, तो श्रवण में से निकलता है ब्रह्म ज्ञान सूखे श्रवण में से, और यश और कीर्ति में के श्रवण में से आराधिका और आराध्य, राधा आराधना और श्री कृष्ण आराध्य ये प्रकट होते हैं। और देखो वृंदावन में प्राविशत, प्राविशत का अर्थ है प्रकृष्ट आदेश, समग्र वृंदावन ही कृष्णमय हो गया, वहां लता और वृक्ष की रासलीला होने लगी, वहां काले बालू और गोरे बालू की रासलीला होने लगी है, वहां सांवरी धूल और गोरी धूल की रासलीला होने लगी, वहां सांवरे पुष्प विष्णु क्रांता के पुष्प और बेला के पुष्प की रासलीला होने लगी। आप्राविशत माने भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आविष्ट हो गए, ये वृंदावन है कि कृष्ण है, ये कृष्ण है कि वृंदावन है, दोनों तरह कैया दो लेप है बलैया, इन्हें भूल गई गैया, उन्हें गागर उठाई हो। ओम शांति।